तो अगर देखो इस वाले सवाल को सॉल्व करोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो दो वेक्टर पी एन क्यू है, तो इसको अगर तुम पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस जीरो होता है, पहला कंडीशन है पी एन क्यू क्रॉस जीरो होगा। बट ये मेथड बहुत लेंदी है तो मैं इसे नहीं करता हूँ। तो आप पढ़े होंगे वेक्टर अगर ए है और ए है ए वन आई कैप और ए है ए टू जे कैप और ए है ए थ्री के कैप, और दूसरा वेक्टर बी है और ये है बी वन आई कैप और दूसरा है बी टू जे कैप और ये है बी थ्री के कैप, ठीक है। तो अगर ए पैरेलल है बी के, ये और वेक्टर आपस में दोनों पैरेलल हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बहुत सारे बच्चे, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। मतलब इनके बीच थीटा जीरो है, मतलब ए ऐसे जा रहा है तो बी भी तो ऐसे जा रहा होगा, तभी तो पैरेलल होंगे। तो ए वन अपन ए टू की वैल्यू बराबर होता है ए टू अपन बी टू की वैल्यू, सॉरी यार यहाँ से तुम देखोगे ए वन अपन, यहाँ से तुम अगर देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट, यहाँ से ए वन अपन ए वन की वैल्यू, ए वन अपन ए वन की वैल्यू और यहाँ से ए वन अपन बी वन की वैल्यू कोफिशियंट बराबर होगा ए टू अपन बी टू की वैल्यू बराबर होगा ए थ्री अपन बी थ्री की वैल्यू। तो ये आप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर एक कॉन्सेप्ट है तो इसी बात को अगर मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ तो टू आई कैप और यहाँ आई कैप, तो टू अपन वन, ठीक है ना, बराबर बी जे कैप और यहाँ जे कैप, मतलब बी अपन वन बराबर होगा टू के कैप और के कैप वन अपन, यहाँ से दोनों इक्वेशन से तुम देखोगे तो बी की वैल्यू हमें टू मिल रही है, दैट इज सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।